सो वेलकम टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ की और साथ ही साथ एक न्यू इनिशिएटिव की, जिसमें हम आप सबके लिए लेके आए हैं 6 मंथ के लिए कंप्लीट करंट अफेयर। इसमें हम अभी अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और जब तक आपका पेपर आएगा तब तक हम मार्च तक के करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा देंगे। और साथ ही साथ साइड वाइज हम यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स भी लाएंगे, जिसमें कि आपके पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई और ज्योग्राफी हो गई। इन तीन चीज़ों के हम अभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपके लिए क्वेश्चन लेते जाएंगे। तो प्लीज़ इस इनिशिएटिव को फॉलो करें और इस बार के CDS 1 2023 में ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे GST कलेक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर आपके लिए फिगर्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस आपको ये देखना होता है कि लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये सितंबर मंथ का आपका कलेक्शन था तो वहाँ पर आपका 26% बढ़ा था। नेक्स्ट अगर बात करें हम टोटल टैक्स कंपोजिशन की, तो जब आप टोटल टैक्स कंपोजिशन देखोगे तो यहाँ पर 54% जो शेयर है वो आपका है किसका, डायरेक्ट टैक्स का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट टैक्स का शेयर ज़्यादा है। नेक्स्ट जब आप बात करोगे 46% किसका शेयर है, इनडायरेक्ट टैक्स का। लेकिन अगर आप सिंगल लार्जेस्ट टैक्स की बात करोगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंगल लार्जेस्ट टैक्स की बात करोगे, तो तब सबसे आगे आपका कौन आ जाती है, GST। उसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल इनकम टैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो GST था वो 101st अमेंडमेंट 2016 में लाया गया था, और GST आपका क्या है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले आपका एक आता था क्या, VAT, वो क्या था आपका, वो एक सोर्स बेस्ड टैक्स था। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हम आपके लिए एक GST के लिए छोटी सी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब आप GST की बात करेंगे तो आपको GST काउंसिल भी पढ़ना होगा। GST काउंसिल के बारे में आपका जो लिखा है वो लिखा है 279 सब क्लॉस ए में लिखा है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मेंबर जो होते हैं वो इसके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, इसमें जो वोटिंग पावर डिवाइडेड है वो है 1/3 वोटिंग पावर है सेंटर के पास एंड 2/3 वोटिंग पावर है आपका स्टेट के पास। जब यहाँ पर फैसला लेने की बात आती है तो फैसला यहाँ पर लिया जाता है मेजॉरिटी बेसिस पे। अब मेजॉरिटी बेसिस पे किस तरीके से लिया जाता है, यहाँ पर जो वोट लिए जाएंगे उसमें देखा जाएगा कि 66% वोट अगर किसी एक टॉपिक पे आ गए तो फिर वो फैसला वहाँ पर पास हो जाएगा। उस फैसले को ये समझा जाएगा कि GST काउंसिल ने इसे पास कर दिया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है आपका SBI का ग्राम सेवा प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है ग्राम सेवा प्रोग्राम, तो आपके दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए SBI। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी इसका फोर्थ फेज चल रहा है, लेकिन अभी तक टोटल 100 विलेजेस इसमें कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म बाय IFC। देखिए कभी कभार डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाता है कि फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लाया गया था, IFC के द्वारा लाया गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसी तरह के कई सारे इनिशिएटिव आपके या इसी तरह के कई सारे आपके टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी UPSC पूछ चुका है आप लोगों से। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लाया गया है ये ग्लोबल फूड क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, अगर IFC की बात आई है तो IFC एक फाइनेंशियल आर्म है किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सब आप लोगों को पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी है क्या, IBRD, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज IDA, उसके बाद आप देखेंगे IFC जिसके बारे में हम तब से पढ़ रहे हैं, फिर आता है आपका MIGA और लास्ट आता है आपका ICSID। अब बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, जो इंडिया है वो इनमें से सिर्फ 4 इंस्टीट्यूशंस का मेंबर है, एक इंस्टीट्यूशन का मेंबर वो नहीं है, और वो इंस्टीट्यूशन है आपका ICSID। अब इसका मेंबर क्यों नहीं है वो हमारे लिए ज़्यादा काम की बात नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया को लगता है कि जो ये इंस्टीट्यूशन है ये इंडिया के टूवर्ड्स बायस्ड है, यानी कि डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुपे कार्ड की, जो कि एक इंडिया का इनिशिएटिव है। रुपे कार्ड अब ओमान में भी
चलेगा। NPCI ने अभी एक MOU साइन किया है सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लग जानी चाहिए कि ओमान में तो चलो चलेगा, लेकिन क्या और भी कोई कंट्री है जहाँ पर आपका रुपए कार्ड एक्सेप्टेड है? तो आपका जो रुपए कार्ड है वो अभी तक टोटल 10 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है बिफोर ओमान। ओमान को मिलाने के बाद अब टोटल हो गई कितनी, 11 कंट्रीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी लिस्ट है, ये आप एक बार देख लेना। यहाँ पर जब आप ओमान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ओमान के अगल बगल के नेबरिंग कंट्रीज़ भी साथ साथ पढ़ लेने हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ओमान के लेफ्ट में आपका कौन पड़ता है, UAE पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पड़ता है सऊदी अरेबिया पड़ता है, और नीचे पर अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आपका पड़ेगा कौन, यमन। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें NPCI के बारे में, तो NPCI है वो इनिशिएटिव है किसका, RBI का इनिशिएटिव है और IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है, और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI के दक्ष प्रोग्राम की। तो RBI का जो दक्ष प्रोग्राम आपका लाया गया है, ये किस चीज़ के लिए लाया गया है, ये मॉनिटरिंग करने के लिए लाया गया है। इसमें आपका क्या होगा, ये आपके बैंक्स को हेल्प करेगा ताकि वो मॉनिटर कर पाए, वो सुपरवाइजरी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मॉनिटर कर पाए। तो ये आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, ये जो दक्ष प्रोग्राम है वो किसके द्वारा लाया गया है, वो आपको ऑप्शन दे देगा, ये RBI द्वारा लाया गया है या इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा लाया गया है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लाया गया है या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब भी ऐसा आए तो RBI आँख बंद करके आपको लगा देना है RBI। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो RBI लॉन्चेस डिजिटल रुपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत टाइम से ये करंट अफेयर में आ रही है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए। तो डिजिटल रुपी है वो अभी किस सेगमेंट के लिए लाया गया है, होलसेल सेगमेंट के लिए लाया गया है। नेक्स्ट जो CBDC है वो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जो कि आपका सेंट्रल बैंक लॉन्च करेगी, और इसमें जो पीछे पे यानी कि इसके बैकग्राउंड में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, जिसमें कि मेनली आपका कौन हेल्प कर रहा है, ब्लॉक चेन हेल्प कर रहा है। तो ब्लॉक चेन के बारे में आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ लेना है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये बताना है कि ब्लॉक चेन एक सेंट्रलाइज सिस्टम है कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मार्ट वायर की, तो ये स्मार्ट वायर इनिशिएटिव लाया गया है किसके द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा लाया गया है। इसमें आपको क्या करेगा, ये जो रेमिटेंसेज होते हैं वन वे ट्रांसफ़र, देखिए एक होता है टू वे ट्रांसफ़र, एक होता है वन वे ट्रांसफ़र, यानी कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप टू वे ट्रांसफ़र करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 रुपये दिए और इधर से आपने कोई गुड्स खरीदे, क्लियर, तो ये क्या हो गया, टू वे ट्रांसफ़र हो गया। बट सपोज़ आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री में आप जॉब कर रहे हो और आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने घर वालों को इंडिया में वापस भेज रहे हो, सो दिस वुड बी अ वन वे ट्रांसफ़र, और इसी को कहा जाता है रेमिटेंस, क्लियर। तो अब जो रेमिटेंस है वो किसके थ्रू यूज़ हो रहा है, स्विफ्ट पोर्टल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि स्विफ्ट पोर्टल होता क्या है, तो ये आप अपने तरफ से पढ़ लेना, क्लियर। तो ICICI बैंक ने क्या किया है, अब जो रेमिटेंसेस ट्रांसफ़र होंगे वो इस स्विफ्ट पोर्टल को यूज़ करके होंगे, और ये जो अवेलेबल है वो दोनों को है, NRI को भी अवेलेबल है, साथ साथ रेसिडेंट कस्टमर्स को भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 36th नेशनल गेम के बारे में। तो जो अभी जो 36th नेशनल गेम्स हुए हैं वो आपके कहाँ पर हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, और जो इसका जो मैस्कट थे वो है सवज, जो कि सिनोनिमस है किसके, एशियाटिक लायन के, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एशियाटिक लायन के सिनोनिमस है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका, जो नेशनल गेम्स हैं उनको वो हालांकि स्टार्ट तो 1920 में हो गए थे, लेकिन तब वो इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाने जाते थे। लेटर ऑन 1940s में जाके इनका नाम चेंज किया गया और तब इनको नेशनल गेम्स बोला जाने लगा। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे 37th जो नेशनल गेम है वो कहाँ होने वाले हैं, वो होंगे आपके गोवा में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 36th कहाँ पर हुए हैं, गुजरात में, क्लियर, और 37th कहाँ पे होंगे आपके, गोवा में होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया एनेक्स 4 रीजन इन यूक्रेन। तो रशिया ने क्या किया है, 4 रीजन है जो कि यूक्रेन में एनेक्स किए हैं, हालांकि इनमें से 2 तो आपको बिल्कुल याद रखने ही है, डोनेस्क एंड लुहांस रीजन,
तो इसको साथ में मिला के बोला जाता है, डॉनबास रीजन भी इसको साथ में मिला के बोला जाता है। तो आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ सिटीज़ को इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेना है, जैसे क्रीमिया को आपको मार्क करना है, मैरियोपोल को आपको मार्क करना है, ओडेसा को आपको मार्क करना है, खैरसन को आपको मार्क करना है, और यहाँ पे खारकीव को आपको मार्क करना है। क्लियर? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यूके की जो यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है आपके कीव, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आप इसके साथ साथ एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर ले, जो यूक्रेन है उसकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको आप तैयार कर लेंगे कि कौन कौन इसके नेबर में है। क्लियर? तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। साथ साथ यहाँ पर ब्लैक सी है, तो आपको एक और चीज़ ध्यान रख लेनी है कि ब्लैक सी की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपको याद रखनी है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बर्गर टी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है आपका हर स्टार्ट कैंपेन, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। हर स्टार्ट कैंपेन ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट की है, और ये किसके लिए है? विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। क्लियर? तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है। इस तरह की जो न्यूज़ है या इस तरह के कैंपेन है वो बार बार आपके CDS में और CAPF के एग्ज़ाम में रिपीटेडली देखे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ एमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि अब हम क्या बन गए हैं, हम बन गए हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। ठीक है, इसमें आपको दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन बताई गई है, ये बताई गई है शुगर केन की, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शुगर केन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। आपको ये सब चीज़ें क्यों पढ़नी है? क्योंकि थोड़े टाइम पहले आपका BT कॉटन न्यूज़ में था, तो उस समय CDS 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था रिगार्डिंग दी ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। क्लियर? तो इसलिए आपको इस तरह की चीज़ें भी जरूर पढ़नी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस है विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की, और यहाँ पर जो सॉइल टाइप आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपका लूमी सॉइल। सबसे टॉप में जो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं वो आपके महाराष्ट्र, नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश एंड लास्ट इज योर वो थर्ड लास्ट इज योर कर्नाटका। नेक्स्ट अगर हम बात करें ST स्टेटस की, जो कि JNK में दिया गया है अभी अभी रिसेंटली कुछ कम्युनिटीज़ को, तो उनका आपको नाम याद रखना है। पहली है पहाड़ी कम्युनिटी, सेकेंड इज़ कोली कम्युनिटी एंड थर्ड इज़ गद्दा ब्राह्मण कम्युनिटी। इनको सबको दिया गया है किस में? JNK में। क्लियर? अभी तक टोटल जो JNK में है 12 कम्युनिटीज़ है जिनको ST का स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है। बात कर लेते हैं कि ST का स्टेटस किस तरीके से मिलता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट होगा रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास से। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी, एक प्रपोजल बनाएंगी और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसको? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। देन इस प्रपोजल को रिव्यू कौन करेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और अगर यहाँ पर आप बात करेंगे SC की, तो वहाँ पर इस प्रोसेस को रिव्यू कौन करेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसका कि आर्टिकल क्या है? 338। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का जो आर्टिकल है वो है 338 सब क्लॉस ए। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही NCST आपके इस प्रोसेस को अप्रूव कर देगी, उसके बाद ये सीधा चला जाएगा आपका किसके पास? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आते हैं आपके किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि जो फाइनल अप्रूवल है वो किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। साथ साथ यहाँ पर जो ST कम्युनिटीज़ को नोटिफाई करने की पावर है वो आपका प्रेसिडेंट के पास भी है एंड पार्लियामेंट के पास भी है, तो ये आपको ध्यान रख लेना अगर आपके एग्ज़ाम में कभी आ जाए। नेक्स्ट इज़ युवा कैंपेन, तो यहाँ पर आपके युवा जो है वो है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। तो आप समझ पा रहे होंगे इसकी डेफिनेशन से ही कि ये मेनली किसके लिए है? यंग ऑथर्स के लिए है, जो कि आगे जाके एस्पायरिंग ऑथर्स बनेंगे, नए ऑथर्स बनेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये,
मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है और अब उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी है, जो ये ऑथर्स हैं वो 30 साल से कम के होने चाहिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, यानी कि जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए जो क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव आपके लाई है DPIIT, और जो आपका DPIIT है वो इस किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। साथ साथ यहाँ पर कौन लोग हैं जो क्रेडिट अवेलेबल करवा रहे हैं, सबसे पहले तो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन NBFC, नेक्स्ट इज SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड लास्ट इज AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये लोग हैं जो आपके क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें क्या, लाइफस्टाइल कैंपेन ये आपका लॉन्च किया गया है, और इसमें जो मेनली आपका जो इसमें अब की बार जो देखा जा रहा है वो देखा रह जाए अग्नि तत्व के बारे में। इसमें हमने लॉन्च किया अग्नि कैंपेन, यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन दी अग्नि तत्व, यानी कि हम यहाँ पे जो एनर्जी के एलिमेंट है उसको यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे 5 पंच महाभूत है, क्लियर, जो हमारे पे 5 मेन कंपोनेंट्स है जिसको ये माना जाता है कि उनसे अर्थ पे लाइफ बनी है, तो उनसे हम अभी क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, और इसके पीछे जो एसोसिएशन है वो है आपकी विभा एसोसिएशन, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो आइडिया था वो ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पे, COP26 में, जो कि हुई थी कहाँ, ग्लासगो में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि COP27 कहाँ पे हुई थी, क्लियर, तो ये हुई थी आपकी इजिप्ट में, क्लियर, इजिप्ट में भी कौन सी सिटी में, शर्म अल शेख सिटी में, ठीक है, और इजिप्ट से आपको सीधा सीधा ये भी ध्यान रखना है, अब की बार 26 जनवरी को जो हमारी रिपब्लिक डे हुआ था उसके चीफ गेस्ट भी आपके कौन थे, इजिप्ट के ही प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे PM डिवाइन की। PM डिवाइन क्या है, एक नया इनिशिएटिव लाया गया है जो कि बात कर रहा है आपके नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसके लिए जो फंड अवेलेबल कराया जा रहा है वो आपका फंड जो कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, क्लियर, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बड़ा ही डाइवर्स एरिया है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, फिर पैंग लहापसोल जो कि सिक्किम में मनाया जाता है, और एक और चीज़ आपको जो इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा रीजन है जिसे कि डाउरी फ्री जोन डिक्लेयर करा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मणिपुर के बारे में हम देख लेते हैं, मणिपुर में एक सेक्रेट ग्रूव्स का फेस्टिवल है जो कि है उमंग लाई फेस्टिवल, तो ये आप लोगों को कुछ डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट इज आवर लीड्स इनिशिएटिव, लीड्स रिपोर्ट, ये लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और इसमें आपकी जो स्टेट है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज़ अचीवर, फास्ट मूवर एंड एस्पायरिंग्स में, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अगर अचीवर की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र है जिसने टॉप किया है, फास्ट मूवर में सबसे आगे आपका चल रहा है केरला, और एस्पायरिंग में आप के जो मेनली है वो है 80% से ऊपर जिनको भी पॉइंट्स मिले होंगे। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि 15 से जो ज़्यादा स्टेट हैं हमारे वो किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी में आते हैं हमारे अचीवर कैटेगरी में, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क चीज़ है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट इज मोडेरा, मोडेरा क्या है, ये गुजरात की एक सिटी है जो कि अभी रिसेंटली 100% सोलर एनर्जी से पावर्ड हो चुकी है, तो सोलर पावर्ड सिटी है कौन सी आपकी, मोडेरा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ मोडेरा और किस चीज़ के लिए फेमस है, मोडेरा फेमस है सन टेम्पल के लिए, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। इसके साथ साथ आपको दो चीज़ें और पढ़ लेनी है, दो सन टेम्पल और न्यूज़ में रहते हैं, फर्स्ट इज़ योर कोणार्क सन टेम्पल जो कि आई होप सबको पता होगा कहाँ है, उड़ीसा में है, नेक्स्ट इज़ योर मारतंड सन टेम्पल। अब ये आप लोग सोचिए जरा दो सेकेंड,
और मैं बता देता हूँ, ये जो आपका अवेलेबल है, ये जो आपका पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका जे एंड के में। तो ये दो सन टेम्पल भी आप साथ साथ पढ़ लेना। साथ साथ अगर आप कोणार्क की बात कर रहे हैं, तो कोणार्क में एक इम्पॉर्टेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी आपको देखने में मिलता है, दैट इज कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो एक टॉपिक से अलग हटके आपको बताई जा रही है, और बहुत बार न्यूज़ में डायरेक्टली आ जाती है, तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हॉकी स्टार अवार्ड्स मिले हैं, क्लियर। तो इसमें कौन कौन आपके आए हैं, सबसे जो प्लेयर ऑफ द ईयर बोला गया है उन्हें बोला, वो है हरमनप्रीत सिंह। फिर इसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर आपके बने हैं पीआर श्रीजेश, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बने हैं आपके विवेक सागर प्रसाद, और कोच ऑफ द ईयर बने हैं ग्रैहम रेड। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और जो आपका हेडक्वार्टर है, वो इसका पाया जाता है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कंटिन्यू न्यूज़ ही है, इसमें पी श्रीजेश और सविता पुनिया, इन दोनों को कौन सा अवार्ड मिला है, गोल कीपर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे पंकज अडवाणी की, जिन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए एग्ज़ाम में आपसे क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि पंकज अडवाणी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। तो जो पंकज अडवाणी हैं वो किससे हैं, स्नूकर से हैं, या इसे हम बिलियर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और ये ओनली इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने आपका क्या जीता है, 5 टाइम इन अ रो वर्ल्ड टाइटल को जीता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर 11 को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। सेकंड, इस बार की थीम जो थी वो क्या है, आवर टाइम इज नाउ आवर राइट एंड आवर फ्यूचर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ ही में इसका जो इनॉग्रल सेशन था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2012 में, और इनॉग्रल थीम थी एंडिंग चाइल्ड मैरिज। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इज सीजीए। अब आप यहाँ पर सीधा सीधा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, मैंने उल्टा क्यों बोल दिया, नहीं मैंने सही बोला है, ये CAG नहीं है, हम CGA की बात कर रहे हैं। CAG क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या होता है, कंट्रोलर गारंटर अकाउंट्स, क्लियर। तो ये कौन बनी है आपकी, भारती दास है, वो बनी है आपकी CGA। तो मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है। जो CAG होती है वो आपकी क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये आप देख पा रहे होंगे, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। जबकि जो आपका CGA होता है वो किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्लियर। CAG क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो क्या इसका कोई ना कोई आर्टिकल तो ज़रूर होगा, और इसका जो आर्टिकल है वो है 148। जबकि CGA क्या है, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा आप लोग दिमाग लगाइए, किस तरह की बॉडी होगी, इट वुड बी अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये आप लोगों के लिए मेन इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, तो सबसे पहले तो यही देख लेंगे कौन रिलीज करता है। तो इसको जो रिलीज़ करता है वो UNDP रिलीज़ करता है, प्लस OPHI, ये दो इंस्टीट्यूट हैं जो मिलके इसको रिलीज़ करते हैं। और इसमें जो मेन क्राइटेरिया लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं, 3 क्राइटेरिया इसमें लिए जाते हैं, दैट इज़ योर हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर इन 3 क्राइटेरियाज के अंदर आपके 10 इंडिकेटर आ जाते हैं, तो ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं CDS एग्जाम में। तो हम देखेंगे कौन बनी है, जॉर्जिया मेलोनी, तो ये बनी है आपकी कौन, फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। और ये बिलोंग करती है कौन सी पार्टी से, ब्रदर ऑफ इटली पार्टी, क्लियर, ब्रदर ऑफ इटली पार्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है, कैपिटल रोम है, और इसके आसपास जो रिवर पाई जाती है दैट इज़ टीबर रिवर। तो कभी एग्ज़ाम में आ गया क्या पता टीबर रिवर, और उसको साथ साथ ऐसे करके आ जाए, मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा रिवर और यहाँ लिख दे इंडिया, मीकोंग रिवर
और यहाँ पर लिख दे आपका क्या मलेशिया, और इधर लिख दे टीबर रिवर, और यहाँ पर लिख दे आपका स्पेन, और या फिर आपका वोल्गा रिवर, और लिख दे यहाँ पर रशिया, और बोल दे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो आप इसमें से आराम से पता लगा लेना। क्लियर। नेक्स्ट इज COP 27, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इजिप्ट में हुआ था, शरम अल शेख में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। COP 26 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर कि ग्लासगो हुआ था। अच्छा याद करिए हमने क्या पढ़ा COP 26 में अभी रिसेंटली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। और इसमें मेनली अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, अग्नि तत्व, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहली जो COP हुई थी वो कहाँ हुई थी, बर्लिन में हुई थी जर्मनी में 1995 में। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत अच्छी न्यूज़ भी हमारे लिए, क्योंकि अभी हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं, इतने सारे चार्जर हैं, इतने सारे डाटा केबल्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है कि सिंगल चार्जर फॉर ऑल डिवाइसेस, कितना इजी हो जाएगा ना हमारे लिए। तो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने इंट्रोड्यूस कराया, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और वो चाहते हैं कि 2024 तक हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक सिंगल चार्जर हो वहाँ पर। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको कौन निकालता है वो हम देख लेते हैं। इसको निकालने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो है वेल्ट लाइफ हंगर एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, तो ये दो इंस्टीट्यूशन है जो आपका GHI को निकालते हैं। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी चार इंडिकेटर हैं, और वो कौन कौन से हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टैलिटी और अंडर नरिशमेंट। क्लियर। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टंटिंग क्या होता है। स्टंटिंग होता है लो हाइट विद एज। क्लियर, यानी कि एज के हिसाब से हाइट छोटी रह जाना। नेक्स्ट इज योर वेस्टिंग, जो आपका वेस्टिंग होता है वो क्या होता है, लो वेट विद हाइट। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। फिर मोर्टैलिटी का तो आप लोगों को पता ही होगा, चाइल्ड मोर्टैलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपकी बात हो रही है किसकी, 5 ईयर्स से कम के बच्चों की। क्लियर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान रखने, तो चाइल्ड मोर्टैलिटी होती है, एक नेटल मोर्टैलिटी होती है, एक इन्फेंट मोर्टैलिटी होती है, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर। तो यहाँ पर आप रैंक देख पा रहे होंगे, 2021 में जो रैंक हमारी आई है वो आई है 101 रैंक आई थी, और यहाँ पर हम बात करेंगे 2022 की, हमारी जो रैंक आई है वो 107 रैंक आए हैं। क्लियर। यानी कि हम और पीछे जाते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो बहुत ही शॉकिंग है बाकी लोगों के लिए, पाकिस्तान 92 नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, श्रीलंका 65 पे है, नेपाल 76 एंड बांग्लादेश अगेन 76 में। यहाँ पर आप टॉप 5 की बात करोगे तो यहाँ बोलारूस है, बॉस्निया है, चिले है, चाइना है, क्रोशिया है। बॉटम 5 की बात करोगे, चैड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, मडागास्कर है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और यमेन है। तो ये चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंटली ध्यान देनी है। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडिजीनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, तो ये कौन है आपका, ये है प्रचंड, इसका जो नाम है दैट इज प्रचंड। अब ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि इससे पहले LCA तेजस वो रिपीटेडली पूछा जा चुका है, उससे पहले नाग मिसाइल जो कि क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है, वो रिपीटेडली पूछी जा चुकी है, और क्या क्या पूछा जा चुका है आपका, अग्नि 5, और अभी अभी आपने देखा होगा अग्नि प्राइम भी न्यूज़ में है, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है खुद से भी। इसको डेवलप करने के पीछे जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट इज योर मत
दाता जंक्शन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपको इम्पोर्टेंटली बता दूँ, 25 जनवरी, जब भी आप ECI के बारे में बात करोगे तो 25 जनवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन ECI आपका इस्टेब्लिश हुआ था, और उसी डे को हम कैसे जानते हैं, नेशनल वोटर डे। अच्छा, रिसेंटली अभी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, कि हमारे जो जो फर्स्ट वोटर थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो शायद उनका भी नाम आपका न्यूज़ में चल रहा है, तो वो भी शायद एग्ज़ाम में आ जाए, वो भी आप लोगों को जाके एक बार सर्च मार लेना है। साथ साथ ECI के बारे में आपको जितना भी स्टैटिक में आता है वो पढ़ के जाना है। क्यों? अगर आप हाल फिलहाल की बात करोगे तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गई थी जो कि बात कर रही थी कि ECI को क्या करा जाना चाहिए, एक हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंटली क्या पढ़ना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। क्लियर बच्चों? तो ये आप लोगों को आराम से पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2022। तो जो कि हम लोगों को पता ही है कि पिछले 5 सालों से लगातार फर्स्ट रैंकिंग जो मेंटेन करे हुए है 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में, दैट इज इंदौर। क्लियर? तो इंदौर की जब हम बात करेंगे, इट इज अबव 1 लाख, और 1 लाख से कम की बात करेंगे तो वो कौन है आपका? सूरत। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट, अगर आप गंगा टाउन्स की बात करोगे तो गंगा टाउन्स में सबसे साफ जो सिटी है दैट इज हरिद्वार, और नेक्स्ट इज योर वाराणसी, फॉलोड बाय ऋषिकेश। तो ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली ध्यान रख लेना है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स इसको रिलीज़ करती है। नेक्स्ट इज़ योर ऑस्ट्रेलिया एक्सटेंशन टाइमलाइन। तो ये आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले एक माइस की एक स्पीसीज थी वो एक्सटेंट हुई, फिर एक पैरेट की स्पीसीज एक्सटेंट हुई, फिर इसे हम कोआलास बोलते हैं ये एक्सटेंट हुए, मतलब ये अभी माना जा रहा है कि 2050 तक एक्सटेंट हो जाएंगे, और फिर 2021 टू 21,000 तक माना जा रहा है कि प्लेटिपस भी वहाँ से एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया को ही क्या कहा जाता है? मैमल एक्सटेंशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैमल्स एक्सटेंट हो रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज टेस्ला ने बनाया है एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट दैट इज ऑप्टिमस। क्लियर? तो ये ट्रांसफार्मर के नाम पे ही थोड़ा इलॉन मस्क जी ने रखा है, वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम है, यहाँ पर उन्होंने अपना ऑप्टिमस बना दिया है। क्लियर? और मुझे तो ये लगता है कि इसका जो नया वेरिएंट आएगा उसका नाम पक्का ऑप्टिमस प्राइम ही होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली ऑप्टिमस न्यूज़ में था, तो ये क्या है? ये क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अच्छा, ह्यूमनॉइड से एक और मेरे को याद आया, दैट इज व्योममित्रा, जो कि आपका कौन यूज़ कर रहा है? इसरो यूज़ कर रहा है। अभी रिसेंटली गगनयान जाएगा आपका। क्लियर? तो गगनयान की अभी जो टेस्ट फ्लाइट्स होंगी उसमें, क्योंकि हम डायरेक्टली ह्यूमन टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो पहले हम एक एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेंगे जिसमें कि सेंसर्स लगे होंगे, जो कि स्पेसिफिकली वो डाटा कलेक्ट करेगा कि अगर वहाँ पे एक इंसान होता तो उस पर कैसा असर होता है, डिफरेंट चेंज इन पैरामीटर्स का या एनवायरनमेंट के चेंज होने का, तो वो आपको ध्यान रखना है। व्योममित्रा शायद इस बार एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट, ये कहाँ पे भेजा गया आपका? टाइटन पे। और टाइटन क्या है? लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न है। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट इज क्वाफू। क्वाफू क्या है? एक सोलर टेलीस्कोप है जो कि भेजा गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा भेजा जा रहा है। तो अब चाइना के द्वारा भेजा जा रहा है तो अब साथ साथ सीधा सीधा आपको क्या पढ़ना है? डिफरेंट सोलर मिशन जो कि अलग अलग कंट्रीज के द्वारा भेजे गए हैं, जैसे कि नासा के द्वारा भेजा गया है सोलर पार्कन मिशन, इसरो के द्वारा भेजा गया है आदित्य L1 मिशन। और इसमें जब आप आदित्य L1 को पढ़ोगे तो L1 आपका क्या होता है वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। क्लियर? L1 को बोला जाता है लैग्रेंज पॉइंट, तो ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं ये, क्योंकि पिछली बार आपका एग्ज़ाम में आ चुका है तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहाँ पर दो
सेलेस्टियल बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को काउंटर करते, एक सैटेलाइट को वहाँ पर स्टेबल रखने के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट जगह होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कदावुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, ये अभी अभी इस्टेब्लिश करी गई है। ये कहाँ इस्टेब्लिश करी गई है? तमिलनाडु में इस्टेब्लिश करी गई है। क्लियर? तो ये क्या है? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो इस्टेब्लिश की जाती है किसके अंदर? WPA एक्ट के अंदर, जो कि आया था आपका 1972 में। और ये जो स्लेंडर लॉरिस है ये कहाँ का नेटिव है? श्रीलंका और सदर्न इंडिया का नेटिव है। तो कभी आपसे पूछ ले डिफरेंट तरीके से तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। इसका जो IUCN स्टेटस है डेट इज़ एंडेंजर्ड, और ये क्या है? एक तरह का नॉक्टर्नल एनिमल है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नॉक्टर्नल एनिमल मतलब क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्टूबर 17 की। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस बार की थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्लियर? अभी इससे पहले हमने जस्ट एक पढ़ा था अक्टूबर 11, उस दिन क्या था हमारा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्लियर? और उसकी थीम आई होप आप सबको याद होगी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड एल्यूमिनियम गुड रैक इन उड़ीसा। अभी तक जो हमारे जो रैक बनाए जा रहे थे वो डिफरेंट मटेरियल के बनाए जा रहे थे, लेकिन अब से क्या किया जा रहा है कि अब हमने क्या कर दिया है कि जो रैक बनाए जाएंगे इस तरीके के रैक, यानी कि जो डब्बे जिनमें हम ट्रैवल करते हैं वो बनेंगे एल्यूमिनियम मेटल के। एल्यूमिनियम का फ़ायदा क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा लाइटर होता है जिसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय जन उर्वरक परियोजना ये रिसेंटली लॉन्च करी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है यहाँ पर होगा क्या। देखिए यहाँ पर जितने भी अभी आपके फर्टिलाइज़र है जैसे MOA, यूरिया, NBS या फॉस्फोरस, क्लियर, इन सबको अब एक सिंगल नेम के अंदर उतारा जाएगा। अभी तो क्या होता है जैसे MOA है, डिफरेंट डिफरेंट नाम के MOA आ रहे हैं, यूरिया है डिफरेंट डिफरेंट नाम के आ रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या निकालेगी? भारत यूरिया। एक सिंगल ब्रांड नेम के अंदर सारा का सारा यूरिया बेचा जाएगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। साथ साथ आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो प्राइस ऑफ यूरिया है वो आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये आपको इम्पॉर्टेंटली लिख लेना है अपने नोट्स में कि जो प्राइस ऑफ यूरिया है वो आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रही है। जबकि सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है जो कि है किसके बारे में? नॉन यूरिया के बारे में। वो ये है कि कुछ टाइम पहले तक ये जो नॉन यूरिया है इसका जो प्राइस था वो क्या था? मार्केट बेस्ड था। लेकिन अभी रिसेंटली फर्टिलाइजर की इतनी डिमांड देखते हुए या COVID-19 के बाद जो हमने महसूस किया है उसके बाद देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ टाइम के लिए इसे क्या कर दिया है? कंट्रोल्ड रिजीम के अंदर वापस ले आए हैं। तो अभी करंट सिचुएशन देखेंगे तो कंट्रोल्ड रिजीम के अंदर है, पर वैसे अगर आप इससे कुछ महीनों पहले की बात करेंगे तो तब नॉन यूरिया मार्केट बेस्ड हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? बुकर प्राइस की। क्लियर? बुकर प्राइस अब की बार मिला है किसको? सहन एन करुणातिका। तो इनको मिला है आपका बुकर प्राइस इनकी बुक के नाम के लिए। क्या है इनका जो बुक है? वो है 7 Moons ऑफ माली अल्मीडा। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पहले श्रीलंकन नहीं है, ध्यान रखना है आपको ये। कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देंगे फर्स्ट श्रीलंकन टू विन बुकर प्राइस, और आप क्योंकि इनका नाम पढ़ के गए होंगे तो आप जल्दबाजी में लगा देंगे इनका नाम, टिक कर देंगे, और आपके जो अच्छे से आपको 2 नंबर मिलने थे वो आप होके आ जाएंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग और कराएंगे। क्लियर? तो वो नहीं करना है। जब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, और आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ के जाओ। तो इनसे पहले एक और श्रीलंकन थे जिनको कि उनकी बुक इंग्लिश पेशेंट के लिए ऑलरेडी बुकर प्राइज मिल चुका है, कब? 1992 में। और ये उनका नाम है माइकल नाम के व्यक्ति थे, उनको ऑलरेडी बुकर प्राइज मिल चुका था, वो भी श्रीलंका के थे। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको अपने करंट अफेयर्स को तैयार करना है।
नेक्स्ट, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया है आपका USAID का, यही आपको याद रखना है बस, कौन लॉन्च कर रहा है, क्लियर। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा इसको ना भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना है कि जॉइंटली किस लिए लॉन्च किया है, असम गवर्नमेंट ने और USAID मेनली किस चीज़ के लिए, आपका ट्री कवरेज को बढ़ाने के लिए आउटसाइड दी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरियाज के लिए, क्लियर। तो ये हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज, मध्य प्रदेश को मिल गया है अपना एक नया टाइगर रिजर्व जिसका कि नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, तो मध्य प्रदेश की जब भी आप बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और साथ ही साथ जब आप टाइगर रिजर्व की बात कर ही रहे हो तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में भी एक नया टाइगर रिजर्व बनाया है, दैट इज़ रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी का क्या है, फोर्थ नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज, सखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स गिवन टू यूक्रेनियन पीपल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि जिनका माना जाता है कि वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या वो फ्रीडम अपनी थॉट्स को फ्रीली शेयर कर पा रहे हैं। इससे पिछले साल ये दिया गया था रशिया के अपोजिशन के लीडर को, क्लियर। अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस साल तो ये दिया गया है पूरे के पूरे यूक्रेनियन पीपल को दिया गया है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज, हमारे जो हरदीप सिंह पुरी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने अभी रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट पंजाब में इनॉग्रेट किया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी रिसेंटली कहाँ पर इनॉग्रेट किया है तो आपको ध्यान रखना है, कहाँ इनॉग्रेट किया गया है जी, पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये कभी नहीं भूलेंगे हम, और ये हमने इसलिए फ़ोटो भी डाली है, संगरूर पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही साथ जब कंप्रेस्ड बायोगैस की बात कर रहे हैं तो सतत स्कीम के बारे में भी पढ़ लेना है कि सतत स्कीम भी किसके लिए लॉन्च की गई थी, CBG के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, रिसेंटली जापान ने शॉर्ट किया है GI टैग के लिए, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे जापान इंडिया में GI टैग क्यों, ऐसा होता है, ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ कभी कभी एक दूसरी कंट्री में भी उनके इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग की डिमांड कर लेती है, क्लियर। तो जापान ने किया है किसके लिए, निहोनशू के लिए, ये क्या है, वहाँ के एक जापानी शेक है, एक ड्रिंक है, तो उसके लिए आप GI टैग उनको दे दिया गया है। हालांकि आपको ध्यान रखना है ये पहला GI टैग नहीं दिया गया है, क्लियर। अभी तक टोटल 30 GI टैग दिए जा चुके हैं फॉरेन कंट्रीज़ को उनके इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए, क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना, अगर आपके सामने आ जाए कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन अ GI टैग वाज गिवन टू अ कंट्री अदर देन इंडिया, तो ये गलत होगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है GI टैग देता कौन है, इसके लिए एक्ट कौन सा है। तो GI टैग के लिए जो एक्ट है वो है आपका 1999 का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999, क्लियर। और GI टैग आपका देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्लियर। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, लिखते भी चलना ताकि आपको भी याद रहे, और मुझे तो याद हो ही रहा है, देखो, क्लियर। नेक्स्ट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, अभी रिसेंटली दो बीचेज हैं लक्षद्वीप को, उनको ये मिला है, मिनीकॉय का थुंडी बीच एंड कदमत बीच, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, इनको मिला है आपका क्या, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अभी तक टोटल 12 बीच हैं इंडिया के जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और इनमें से सबसे पहला जो बीच था वो था आपका ये गोल्डन बीच, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अच्छा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की जब भी बात करोगे तो इसके पीछे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये प्रोवाइड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, और आपके लिए ऑप्शन में दो पता ही है, चार ऑप्शन दे ही देंगे वो, UNFC, UNGA, FEE या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि FEE, क्लियर। PM मोदी लेज फाउंडेशन स्टेट स्टोन फॉर C295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी, क्लियर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये किसके साथ मिलकर कर रहे हैं, हम टाटा इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कर रहे हैं,
ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और ये कहाँ पर किया गया है? वडोदरा गुजरात में किया जा रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ किया गया है, तो बता देना वडोदरा गुजरात में किया जा रहा है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट, जहाँ पर कि डिफेंस के लिए जो चीज़ें बन रही है वो किसी प्राइवेट कंट्री के साथ, सॉरी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके बनाई जा रही है। क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये एक लेफ्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इनका जो नाम है वो है लूला द सिल्वा। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट इज़ नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री में जो नोबल प्राइज़ मिला है वो किस किस को मिला है? ये मिला है कैरलन आर बटोजी, मॉर्टन मेल्डेल, के बैरी सार्पल्स। क्लियर? इनको मिला है। और ये किस चीज़ के लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इनको मिला है। तो ये आप लोग बहुत आराम से पढ़ लेना। इस तरह की न्यूज़ को ना रिपीटेड वे में पढ़ो, यानी कि फॉर एग्जांपल आज आपने पढ़ ली, फिर इसका एक हफ्ते बाद रिवीजन करना, और फिर जस्ट एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना। तो इस तरीके से आपको ये न्यूज़ आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट इज नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स, ये किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लॉजर को, एंटोन जेलिंगर को। क्लियर? और इनको मेनली किस चीज़ के लिए मिला है? ये मिला है एंटेंगल्ड फोटोन के लिए। यहाँ पर बात करी जा रही है क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की बात करी जा रही है। अब जब आप क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ बात करोगे तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, डेट इज़ क्वांटम एंटेंगलमेंट। इस तरीके से क्वांटम एंटेंगलमेंट हो जाता है। क्लियर? यानी कि दो क्वांट बिट एक साथ एंटेंगल होके चल रही है। नेक्स्ट इज़ क्वांटम सुपरपोजिशन। हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सुपरपोजिशन का। देखिए, जब आप बाइनरी लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज की बात करोगे, वहाँ पे आप पढ़ते हो बिट्स, जो कि होते हैं या तो ज़ीरो या वन की फॉर्म में। पर जब आप यहाँ पे बात करते हो क्वाड बिट, तो ये कैसे होते हैं? ये होते तो ज़ीरो वन की फॉर्म में ही होते हैं, बट ये साथ साथ ज़ीरो वन एक साथ भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बाइनरी का मैं बता देता हूँ, आप इस तरीके से लिखोगे 010110। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ज़ीरो और इसी जगह पर आप वन भी लिख सकते हो। इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन, यानी कि ऑन सर्टेन पोजिशन जो आपके क्वाड बिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खुद ही वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रख देते हैं। क्लियर? वहाँ पर आपको बार बार आके इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ज़ीरो आएगा कि वन आएगा, ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज भी करते रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फ्लैक्स फ्यूल। ये फ्लैक्स फ्यूल के बारे में अभी रिसेंटली बात करी गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। क्लियर? यहाँ पर मेनली जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? पेट्रोल के लिए हो रही है, पेट्रोल विद इथेनॉल। क्लियर? और हमारा जो टारगेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ठीक है, तो पहले तो कितना था? E10 था, अब हमने इसको कर दिया E20। पहले जो हमारी क्या बोलते हैं एंड पॉइंट था, यानी कि हमारी जो डेडलाइन थी वो थी 2030। अब इस डेडलाइन को हमने प्रीपोन्ड कर दिया है 2025। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको हम एक और नाम देते हैं मॉम मिशन या फिर मंगलयान। ये न्यूज़ में क्यों है? स्पेस क्राफ्ट लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड स्टेशन। क्लियर? 8 साल बाद, क्योंकि कब लॉन्च हो गया था ये, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताएं। ये हुआ था लॉन्च अराउंड 2016 में। 8 साल बाद इसने क्या कर दिया है? अपना कॉन्टैक्ट तोड़ दिया है किसके साथ? ग्राउंड स्टेशन के साथ। और इसको लॉन्च करा गया था आपका PSLV में, तो कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देगा। अच्छा, ये लॉन्च हुआ था 2013 में। ये हुआ था किस में? PSLV में। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। LVM-M2 फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। ये क्या है? ये कमर्शियल विंग है किसका? इसरो का। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। इन्होंने अपना पहला डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, और वो क्या है? LVM-M2। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
यहाँ पर हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की। यहाँ आप देख पा रहे होंगे तीन तरह के आपको सोलर एक्लिप्स मिलेंगे, फर्स्ट इज पार्शियल, सेकेंड इज एन्युलर, थर्ड इज टोटल सोलर एक्लिप्स, और एक और मिलता है आपका हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स, पर वो नॉर्मली ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। मेनली तो हम तीन को ही पढ़ेंगे, क्लियर। सोलर एक्लिप्स होता क्या है, जब मून आपका सन और अर्थ के बीच आ जाए, तो यहाँ पर जो मून की शेडो होगी वो इस तरीके से पड़ेगी, क्लियर। टोटल सोलर एक्लिप्स में जब मून क्या कर ले, कंप्लीटली सन को कवर अप कर ले, ठीक है। एन्युलर सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, सपोज ये आपका सन है तो मून की जो शेडो है वो इस तरीके से, यानी कि बाहर पर बस एक रिंग छूट जाएगी इस तरीके से, ये रिंग डायमंड की तरह चमकेगी, इसे बोला जाता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स। और पार्शियल तो आप देख ही पा रहे होंगे, पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, एक सर्टेन सेगमेंट या सर्टेन सेक्शन ऑफ सन आपका क्या होगा, हाइड होगा। और इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, सोलर एक्लिप्स हमेशा कब होगा, फुल मून के समय होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख लो, जो ल्यूनर एक्लिप्स है वो कब होगा, वो न्यू मून के टाइम होगा, क्लियर। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना, इसके लिए कुछ भी ट्रिक बना सकते हो आप। जैसे मेरी पर्सनल ट्रिक तो ये थी कि जब नया चांद आता है तो उस पर ग्रहण लग जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। और जब चांद पूरा बड़ा हो जाता है फिर वो दूसरों पर ग्रहण लगाता है, तो मैंने तो कुछ इस तरीके से याद किए, आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज GMO की बात करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, DMH11, ये क्या है, मस्टर्ड की एक वैरायटी है जो कि अभी अभी डेवलप की गई है, क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये अभी किसका अप्रूवल इसे चाहिए, इसको चाहिए GEC का अप्रूवल चाहिए इसे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे पहले भी एक मस्टर्ड की कैटेगरी आ चुकी है, वो कौन है, वरुणा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ साथ बरस्तर, तो दो याद रखना है, वरुणा और बरस्तर। और अब आपका आ चुका है DMH11, और ये तीनों किस चीज़ के प्रकार हैं, मस्टर्ड के प्रकार हैं। नेक्स्ट इज टीबी रिपोर्ट, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट आई है जिसमें की बात करी गई है 20% ऑफ केसेस सिर्फ कहाँ पाए जा रहे हैं, इंडिया में पाए जा रहे हैं। और ये तो बात हुई नॉर्मल टीबी की, क्लियर। जब आप बात करेंगे एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो इसके भी अराउंड एंड अराउंड 27% केसेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जा रहे हैं आपके, वो भी इंडिया में पाए जा रहे हैं। और इंडिया क्या कर रहा है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है जिसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी काउंट है, हाईएस्ट टीबी काउंट, क्लियर। और इसको जो कॉज करता है वो कौन करता है, माइकोबियम बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये क्या है, एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ है, नॉट फंगस नॉट वायरल, बैक्टीरियल डिजीज़, क्लियर। और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है थ्रू एयर, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। साथ साथ अगर कभी आपसे पूछ ले तो इसके लिए जो एक वैक्सीन आते हैं दैट इज़ BCG वैक्सीन, ये ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन है टीबी के प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे ORS की, बचपन में ऐड देखा ही होगा, क्लियर। तो ORS में आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, क्लियर। और इसको बनाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे वो थे कौन, डॉक्टर दिलीप महलनोबिस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मेनली कब काम आता है, डायरिया में काम आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। और जो इसमें ये डॉक्टर दिलीप हैं, इन्हीं के नाम पे, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इंडियन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन की हमारे इंडिया में स्थापना करी थी, और फिर इन्हीं के नाम पे हम एक डे मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, जो कि आता है आपका कब, 29 जून में, क्लियर। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंटली पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जो कि हो रही है किस किस के बीच में, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में, क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। इसका जो नाम है, जो ये हुई है, कमेंस हुई है, वो कहाँ हुई है, दर असलाम तंजानिया में हुई है, क्लियर। तो तंजानिया की कैपिटल आप ध्यान रख लेना, इसकी कैपिटल है दादोमा, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। इसके प्रेसिडेंट है सामिया
सुलूहू हसन, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल तो वैसे आप ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज़ आप न्यूज़ में पढ़ते जाओगे उनकी याद करते जाना। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताई, कौन सी कैपिटल, यूक्रेन की। क्या यूक्रेन की कैपिटल अभी तो पढ़ी थी हमने, कीव। क्लियर। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। जर्मनी क्या है, जर्मनी की कैपिटल बॉन। क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट इज डेफ एक्सपो। डेफ एक्सपो 2022 का हुआ है, गुजरात में हुआ है। क्लियर। यही आपको देखना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, HTT-40 इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हमने यहाँ पे लॉन्च किया है, साथ साथ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो भी हमने यहाँ पर, इसका भी हमने यहाँ पर क्या करा है, रिप्रेजेंटेशन करा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेल एंड डॉर अवार्ड, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बेल एंड डॉर अवार्ड ये किसको मिला है, करीम बेंजेमा फ्रॉम रियल मैड्रिड। विमेन में जो है वो एलेक्सिया प्यूतलेस बार्सिलोना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि जो बैलेंट डॉर है ये अवार्ड किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे जो ऑप्शन देगा वो देगा फुटबॉल, हॉकी, आर्चरी या टीटी टेबल टेनिस। ध्यान रखना है यहाँ पे, फुटबॉल पे टिक मार के आगे चलेंगे, दो नंबर रखेंगे और अपना काम पूरा। क्लियर। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, बेन एस ब्रिनेके, और कौन है यहाँ पे, डगलस बी डायमंड और फिलिप एच। तो इन तीन लोगों को आपका क्या मिला है, आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल इनॉग्रेट ओन ओलंपिक। तो अभी तक तो हम बता चुके हैं, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक होता है, फिर नेशनल लेवल के ओलंपिक को हम क्या बोलते हैं, नेशनल गेम्स। और कब इनको नेशनल गेम्स बोला गया था, इनको बोला गया था कब, 1940। इससे पहले क्या बोला जाता था, इंडियन ओलंपिक गेम्स बोला जाता था। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोगों ने। क्लियर। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो 6th लेवल पे किया जाएगा, ये आप लोग उसको बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज CGI 50th CGI हमारे बने हैं, कौन, DY चंद्रचूर। क्लियर। और इससे पहले इनके पिताजी भी CGI रह चुके हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान रख लेना। इन्होंने जो सक्सीड किया है वो किसको किया है, UU ललित को। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट इज इसमें जो फर्स्ट होल्डर है वो थे, जो पहले फौज हमारे CGI थे वो HG कानिया थे, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। यहाँ पे आप बस एक चीज़ ध्यान रखना है, CGI का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करवाता है। ठीक है, इसके पीछे फिर आपको ये ही पढ़ लेना है, कॉलेजियम कौन से केस में आया था, ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्वालिटी का, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, या फिर इनके नाम दे देगा, जैसे कि यहाँ पे SK गुप्ता केस। क्लियर। और यहाँ पर एडवोकेट केस और थर्ड जज केस का मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, बट आप लोग देख लेना। और लास्ट यहाँ पे दे देगा क्या, AK गोपालन केस। बस बता दो कौन सा केस था। क्लियर। अगर आपको आता है ये तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, नहीं तो मैं जब पॉलिटी की वीडियोस लाऊंगा तो तब ये क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा। क्लियर। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, नोबल पीस प्राइज किसको मिला है, जॉइंटली मिला है इस बार किसको, LS Bialystoki को, जो कि एक बेलारूसियन एक्टिविस्ट है, और साथ साथ मिला है इनको मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर। तो इन दो को साथ में मिला है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और इसी के साथ कौन है आपका, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऑपरेशन गरुड़ किसने लॉन्च किया है, CBI। अब गरुड़ सुन के सीधा मिलिट्री एक्सरसाइज मत सोचने लग जाना, ठीक है। वैसे अगर आपको पता है गरुड़ एक्सरसाइज किस किस की है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। तो यहाँ पर कौन आ रहा है आपका, CBI ऑपरेशन गरुड़ टू कॉम्बैट स्मगलिंग, इलिसिट ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस।
ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लें। चलो बता दो फिर बच्चों, सीबीआई क्या है? एग्जीक्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्लियर? तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, न्यू हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। क्लियर? आफ्टर द ट्रेजिक इंसिडेंट्स ऑफ लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उनकी मृत्यु के बाद अब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं हमारे। कौन है ये? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्लियर? इनको बनाया गया है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। साथ ही साथ हमारे सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमैया नेम्ड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल। क्लियर? ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल क्या है इसका? 76। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। टर्म एंड टेन्योर है कि नहीं है बताओ? टर्म एंड टेन्योर है? बिल्कुल नहीं है। टर्म एंड टेन्योर बिल्कुल नहीं है इसका। क्यों नहीं है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वर्क करते हैं जी, तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विपो निकालता है इंडिया की रैंक। 40वीं रैंक आई है आउट ऑफ 132 कंट्रीज। जो स्विट्जरलैंड है वो आपकी मोस्ट इनोवेटेड कंट्री रह रही है फॉर द लास्ट 12 ईयर इन द रो। हालांकि इंडिया ने एक ह्यूज जंप लगाया, 2015 में हम 81 पे थे, अब हम 40 पे आ गए हैं। और इनोवेशन में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम भी जैसे लॉन्च करी गई है, फॉर एग्जांपल इसमें प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसने जब सबसे मेजर रोल प्ले किया है। तो इस तरह की स्कीम्स की वजह से हम इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स किसका है, कौन निकालता है, जरूर लिखिए। नेक्स्ट इज चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी रिनेम्ड आफ्टर द शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रख लेना है। बाकी शहीद भगत सिंह के बारे में आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूर बताएंगे। मॉडर्न इंडस्ट्री के हम जब क्वेश्चंस लेके आएंगे तो उस सीरीज़ को भी ज़रूर फॉलो करना। और वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि टॉप 1000 क्वेश्चन आपको करा दे बिफोर 10 अप्रैल। ये हमारी पूरी टीम की एक कमिटमेंट है, सर्वज्ञ एजुटेक की टीम की पूरी कमिटमेंट है, जो कि 10 अप्रैल से पहले आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवा देगी, ताकि आप अब की बार जो CDS में बैठे हैं तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो कि GS तो आप एटलीस्ट कम से कम क्वालिफाई कर पाए। क्लियर? बाकी इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे, बट वो लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। गुजरात बिकेम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गतिशक्ति पोर्टल। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जो गतिशक्ति है ये कौन से प्लान का पार्ट है? नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सीधा सीधा पूछेगा कौन सा स्टेट है जिसको सबसे पहले दिया गया है मौका गतिशक्ति पोर्टल में, तो कौन है वो? गुजरात। अरे ये रिपीट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूजा पटेल के बारे में, फर्स्ट एथलीट टू वॉन गोल्ड इन योगासना। क्लियर? तो ये कहाँ से हैं? गुजरात से आती हैं और 36th नेशनल गेम्स में इन्होंने ये जीता था। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और जो योगासना है ये क्या है? एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। क्लियर? स्पोर्ट्स को भी आपके 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कुछ होते हैं ट्रेडिशनल, कुछ होते हैं मॉडर्न। क्लियर? तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम कबड्डी, खो खो, मलखम एंड योगासना। ये 4 स्पोर्ट्स हैं जो कि अब की बार सबसे पहली बार आपके 36 नेशनल गेम्स में जोड़े गए हैं, तो क्या पता डायरेक्टली पूछ ले। क्लियर? न्यू BCCI, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI रॉजर बिनी, इन्होंने रिप्लेस किया है सौरव गांगुली को। और जो IPL के नए चेयरमैन हैं वो कौन है? अरुण धूमल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप, आयान खान। 16 साल के हैं सिर्फ, ऑलराउंडर हैं, UAE से बिलोंग करते हैं। तो देखो भैया, 16 साल के लड़के भी वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी तैयारी करो, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022। तेलंगाना हैज़ बीन ऑनर्ड एज द ग्रैंड विनर ऑफ AIPH इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। और साथ साथ
यहाँ पर आपको बता दे, क्योंकि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। क्लियर? तो हैदराबाद जब आप पढ़ोगे तो आंध्र प्रदेश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी अभी तक? अमरावती। क्लियर? वैसे तो वहां पे तीन कैपिटल की बात हो रही थी, अमरावती, विशाखापट्टनम, और क्या थी आपकी, एक और यहाँ पर कैपिटल आपकी लाई जा रही थी। क्लियर? लेकिन अब इन्होंने ये थ्री कैपिटल फार्मूला को ख़त्म करके अब सिर्फ क्या है, विशाखापट्टनम इज दी ओनली कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट इज सफल इनिशिएटिव, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। मेनली किसके लिए है ये? एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए है। ठीक है, जब आप बात करोगे उड़ीसा की, तो यहाँ पर एक और स्कीम चलती थी, रायतू बंधु स्कीम। क्लियर? ये बिल्कुल किसकी तरह है आपकी? पीएम फसल बीमा योजना। क्लियर? ये बिल्कुल इसी की तरह है, रायतू बंधु स्कीम। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, सफल इनिशिएटिव। आप आई होप आप सब याद रख लोगे। किसके लिए है? वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए है। नेक्स्ट, INS अरिहंत कैरीज आउट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ये हमारे देश ने पहली बार किया है, फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियन सबमरीन। क्लियर? ये कौन है? INS अरिहंत। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कुछ विजेताओं की। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है अस्थाना ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और जो चार ओपन आपके होते हैं ना, फ्रेंच ओपन, US ओपन, विमिल्डन, क्लियर, और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो इन चारों के विजेताओं को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले बात करें नोवाक जोकोविच, अस्थाना ओपन, फिर आता है रेड बुल ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन विंस जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। फिर 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख ने जीता है। क्लियर? इसका जो नाम लिया गया है वो किसके लिए लिए किसके बेस पे लिया गया है? धुन धीराज गोविंद पालेख के, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या पता आ जाए एग्जाम में कौन है भाई फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ध्यान रख लेना, दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट इज शस्त्र रामानुजा प्राइज, तो ये आपका किसको मिला है? युकिंग थाम को मिला है। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? 22 दिसंबर को, जिस दिन हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, मेमोरी ऑफ श्रीनिवासन रामानुजा। साथ साथ मुझे बताइए, हम नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? क्लियर? और किसकी वजह से मनाते हैं? तो ये तीनों चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज फीफा विमेन वर्ल्ड कप, वेन्यू क्या था? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। मैस्कॉट क्या है? तजूनी, जो कि सिनेमस है किसके? पेंगुइन के। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। दिल्ली डिक्लेरेशन UNSC का आया है आपका, दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि किस चीज़ के लिए आया है? काउंटरिंग डिजिटल टेररिज्म थ्रेट, इन चीज़ों के बेस पे आपका दिल्ली डिक्लेरेशन आया है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं डर्टी बॉम्ब के बारे में। डर्टी बॉम्ब इज़ अ बॉम्ब दैट कंटेन रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि यूक्रेन ने शक जताया है कि शायद रशिया हम पे डर्टी बॉम्बिंग करेगा। तो वहाँ पर ये डर्टी बॉम्ब टर्म न्यूज़ में आया, तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ गया। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, रेडियो एक्टिव मटेरियल भर के अगर हम किसी बॉम्ब को फेंक के मारें दूसरे पे, तो उसे बोला जाएगा डर्टी बॉम्ब। फिर हम बात करते हैं डूम लूप, इट इज़ अ फिनोमिना वेयर बाय अ शॉक टू वन पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सिस्टम इज एम्पलीफाई बाई इट्स अनदर। यानी कि ये क्या बन जाएगा? एक लूप बन जाएगा। यानी कि मान के चलो लूप में यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई गड़बड़ी हो गई, तो वो एग्रीवेट होता जाएगा होता जाएगा, और लेटर ऑन वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, जैसे इकोनॉमिक और असेट प्राइस ग्रोथ स्लो, जैसे यहाँ पे असेट प्राइस की जो ग्रोथ है वो स्लो हुई। नीचे आप क्या देख रहे हो? पीपल रन फॉर वीक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर?
फिर यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना एक बार स्लाइड रोक के, तो ये आप लोगों के काम आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे B20, ठीक है। इस साल का जो B20 हुआ है, यानी कि 2022 का जो B20 हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि B20 क्या है, ये G20 की साइडलाइंस पे होता है, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। लेकिन 2023 का कहाँ हुआ है? 2023 का हुआ है आइजवाल मिजोरम में, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। साथ साथ जब आप G20 पढ़ेंगे तो G20 में एक शब्द आपको याद आएगा, ट्रॉयका। ट्रॉयका क्या होता है? यहाँ पे ट्रॉयका बनाया जाता है किनका? तीन उन कंट्रीज का जो कि प्रेसिडेंट रही हैं या बनने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और अपकमिंग प्रेसिडेंट, क्लियर। तो अगर इस साल की बात करें तो करंट में तो कौन आ गया? इंडिया आ गया। प्रीवियस कौन हो गया? इंडोनेशिया हो गया। और अपकमिंग कौन है? ब्राज़ील है। और ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रॉयका में सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो G20 की कंट्रीज़ याद कर लेना और भी सिंपल हो जाएगा आप लोगों का काम। माउलू केव, ये कहाँ पाई जा रही है? मेघालय में पाई जा रही है। और इसको लिस्ट किया गया है फर्स्ट 100 IUGS साइट में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की साइट में इसको लिस्ट किया गया है। और ये जो IUGS है, ये किसके लिए काम करता है? ये काम करता है आपका यूनेस्को के लिए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, कभी कभी वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यूनिसेफ कर देंगे। पर ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना। अगर चिल्ड्रेन, विमेन या फिर ऐसे किसी डिसएडवांटेजियस ग्रुप के बारे में बात हो रही है, ऐसे किसी वल्नरेबल ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो वो कौन देखेगा? यूनिसेफ देखेगा। कल्चर से रिलेटेड बात हो रही है, नेशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो देखेगा कौन? यूनेस्को, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज योर ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर क्या करते हैं? 30% लेस एयर पॉल्यूशन करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ग्रीन क्रैकर की भी तीन कैटेगरी है। सबसे पहले श्वास, स्टार, सफल। श्वास का मतलब सेफ वाटर रिलीजर, स्टार का सेफ टर्माइट क्रैकर, सफल सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। और इसका जो सर्टिफिकेशन आपको देगा वो कौन देगा? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है, क्लियर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्या, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, जो कि आपका किसने स्टार्ट किया है? स्टार्ट किया है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्टार्ट किया है। किसके कोलैबोरेशन में? मैकेंजी एंड कंपनी के कोलैबोरेशन में। यहाँ पर कुछ नहीं करा जाता, यहाँ पर सिर्फ 100 मैन्युफैक्चर का एक ग्रुप है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनकी एक कम्युनिटी बनाई गई है, क्लियर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सिम्बेक्स, क्लियर। सिम्बेक्स किस किस के बीच में है? सिंगापुर और इंडिया के बीच में। कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है, क्लियर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। महाकालेश्वर टेम्पल, पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक कॉरिडोर इन उज्जैन। तो ये आप ध्यान रख लेना कहाँ पर है, ये उज्जैन में है, क्लियर। और ये किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मेन यही दो इसमें से चीज़ें आपको पढ़नी है, ये दो आप पढ़ लोगे तो आपके लिए मोर देन एनफ है। फिर आया नैनसेन रेफ्यूजी अवार्ड, ये किसके लिए है? एंजेला मार्कल के लिए है। ये कौन है? फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी है, क्लियर। इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने रेफ्यूजीज की प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम किया है, कहाँ पर? सीरिया में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आपसे एग्ज़ाम में सीधा पता है क्या पूछेगा? नैनसेन अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है? और आपको ध्यान रखना है ये किसके लिए दिया जाता है? रेफ्यूजी के लिए दिया जाता है, बस इतना ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कोचरिल रमन नारायण सर्व्ड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1997 टू 2000। क्लियर, इनका जो हम नॉर्मली बोलते हैं KR नारायण। क्लियर, और ये क्या थे, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रख लेना, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ऑल्सो फर्स्ट प्रेसिडेंट टू वोट इन 1998 जनरल इलेक्शन बिफोर हिम इंडियाज प्रेसिडेंट रीअफ्रेम फ्रॉम अडल्ट सफरेज, यानी कि इनसे पहले कोई भी प्रेसिडेंट वोट नहीं देता था, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने वोटिंग करी थी। क्लियर, और ये कब था, 1998 के समय पे। क्लियर, तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्याम जी कृष्ण जी वर्मा के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप बिल्कुल पढ़ोगे। क्लियर, तो इन्होंने क्या करा था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी, सेकंड इंडियन हाउस की स्थापना करी थी, नेक्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना करी थी। क्लियर, जो डिफरेंट डिफरेंट रिवॉल्यूशनरीज थे जो बाहर देशों में जाके उन्होंने कुछ ना कुछ खोला है, तो उनमें से एक ये थे। ये कहाँ गए थे, ये लंदन गए थे, और लंदन में इंडियन हाउस, ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में आया है इंडियन हाउस, कहाँ, लंदन। क्लियर, बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। तो ओके बच्चों, यही तक था आज का अक्टूबर का करंट अफेयर, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमको फॉलो करें यूट्यूब पे सर्वज्ञ एजुटेक पे, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं हम आपको ये PPT आपको ये मिले, तो आप हमें सर्वज्ञ एजुटेक नाम से टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। मैं इन तीनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू।